डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू वर्कशीट नंबर three ऑफ यूनिट नंबर fifteen एंड इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ वी कैन कन्वर्ट fahrenheit temperature into celsius scale स्केल okay. तो आप देख रहे हैं सेवेंटी सेवन डिग्री फेरानाइट जो है हमें यहाँ पर टेम्परेचर uh, गिवन है और उसको हमें सेल्शियस स्केल में करना है तो हम जानते हैं कि फेरानाइट स्केल जो है वो उसमें जो डिविजन्स हैं वो ज़्यादा रहती हैं बड़ा स्केल है और सेल्सियस स्केल छोटा स्केल है मतलब हम बड़े स्केल से छोटे स्केल पे जा रहे हैं मतलब कि जो सेवेंटी सेवन डिग्री है ये अब जब सेल्सियस स्केल में हमारी निकलेगी तो काफ़ी छोटी निकलेगी सेवेंटी सेवन से वैल्यू तो वैल्यू नंबर्स की कब रिड्यूस होती है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं तो इन्हीं दो ऑपरेशन को यूज़ करके जैसे हमने पहले वाले जब हम छोटे स्केल से बड़े में जा रहे थे तो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ की थी अब हम बड़े स्केल से छोटे स्केल में जा रहे हैं तो हम अब हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पहला स्टेप रहता है कि जो गिवन टेम्परेचर है उसमें से आप 32 माइनस कर देंगे जो आपको 77 डिग्री फेरानाइट गिवन है तो इसमें से आपने 32 माइनस किया यू विल गेट 45 फाइव सेकेंड स्टेप होगा कि डिवाइड 45 फाइव बाय नाइन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई भी नाइन अपॉन फाइव से किया था तो डिवाइड भी आप नाइन अपॉन फाइव से करेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा इट इज़ लाइक फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय नाइन अपॉन फाइव तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव अपॉन नाइन तो नाइन जा नाइन नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव एंड फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव तो हमारा आ गया सेवेंटी सेवन डिग्री फेरानाइट जो है वो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बुक में जो गिवन है वो ये वाला स्टेप गिवन है डायरेक्टली कि आप मल्टीप्लाई ही कर देंगे फाइव अपॉन नाइन से वो नाइन अपॉन फाइव तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे होते हैं नाइन अपॉन्ट फाइव से डिवाइड करते हैं अगले स्टेप में वो फाइव अपॉन्ट नाइन मल्टीप्लाई के साइन के साथ हो ही जाएगा तो हम कॉन्सेप्ट यही लेकर चलेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड किया ठीक है नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्शियस स्केल है ना हमारे पास सब फेरानाइट में है मतलब बेगर स्केल में है हमें स्मॉलर स्केल पर जाना है तो सबसे पहले स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फोर्टी वन में से थर्टी टू को फोर्टी वन माइनस थर्टी टू इज़ नाइन दूसरे स्टेप में हम डिवाइड करेंगे किस को नाइन जो हमारा वैल्यू आया नाइन को हम डिवाइड करेंगे नाइन अपॉन फाइव से तो नाइन मल्टीप्लाई फाइव अपॉन नाइन ये सेकेंड स्टेप आ गया नाइन वन जर नाइन नाइन वन जर नाइन और ये आ गया फाइव इसका मतलब है फोर्टी वन डिग्री फेरानाइट जब सेल्सियस में कन्वर्ट होगी तो वो होगी सिर्फ फाइव डिग्री सेल्सियस देखिए वैल्यू हमने सब्ट्रैक्शन और डिविजन यूज की और वैल्यू रिड्यूस होके फोर्टी वन डिग्री क्या बन गया फाइव डिग्री सेल्सियस बी पार्ट वन हंड्रेड थर्टीन डिग्री फेरानाइट ओके तो so, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम सबसे पहले 113 में से हम माइनस कर देंगे 32 को तो इट विल बी इक्वल टू 81 और अब हम सेकेंड स्टेप में डिवाइड करेंगे किसको 81 को किससे 81 वन डिवाइडेड बाय नाइन अपॉन फाइव तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 81 वन मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन नाइन नाइन वन जा नाइन 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 ज़ा एटी नाइन एंड नाइन फाइव ज़ा फाइव तो हमारे पास जो 113 डिग्री फेरानाइट में वैल्यू थी वो सेल्सियस में हो जाएगी 45 डिग्री सेल्सियस दिस इज़ हाउ देन सी पार्ट 95 डिग्री फेरानाइट तो हम 95 डिग्री 95 में से सबसे पहले हमें क्योंकि छोटे स्केल पे जाना है तो हमने माइनस यूज़ किया 95 फाइव माइनस थर्टी इट विल बी 63 और डिवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप में हम 63 को किससे से नाइन अपॉइंट फाइव से विच विल बी फोद इक्वल टू सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय फाइव अपॉन नाइन नाइन वन ज़ा नाइन एंड नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री एंड सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव तो हमारा आंसर जो है नाइन्टी फाइव डिग्री फेरानाइट था हमारा टेम्परेचर और जो सेल्सियस में थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया देन डी पार्ट टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फेरानाइट तो पहला स्टेप सेम सब के सब में सेम स्टेप है टू हंड्रेड ट्वेल्व में से आप माइनस करेंगे थर्टी टू यू विल गेट वन हंड्रेड एटी और इस वन हंड्रेड एटी को आप फर्दर डिवाइड कर देंगे वैल्यू और कम हो जाएगी नाइन अपॉन फाइव से तो वन एटी मल्टीप्लाइड बाय फाइव अपॉन नाइन नाइन वन जा नाइन नाइन टू जी एटीन नाइन जीरो जो जीरो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट आ गया वाटर का दोनों स्केल्स में है ना उसके बाद ई पार्ट है थर्टी टू डिग्री फेरानाइट तो थर्टी टू में से थर्टी टू माइनस किया ज़ीरो आ गया और इस ज़ीरो को आप सेकेंड स्टेप में डिवाइड कर देंगे नाइन अपॉन फाइव से ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई फाइव ओपॉइंट नाइन वैसे तो यहीं पे जीरो हो जाता है मल्टीप्लाई करके फाइव फाइव नाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है एन आंसर विल बी ज़ीरो तो थर्टी टू डिग्री फेरानाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फेरानाइट स्केल एंड जीरो डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्शियस स्केल तो इसके बाद है लास्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी टू डिग्री फेरानाइट तो वन हंड्रेड ट्वेंटी टू में से माइनस करेंगे थर्टी टू एंड इट विल बी इक्वल टू नाइन्टी और नाइन्टी को डिवाइड कर देंगे नाइन पॉइंट फाइव से Means 90 multiplied by 5 upon 9. 9 ones are 9, 9 tens are 90, 10 fives are 50. 122 degree Fahrenheit will be equal to 50 degree Celsius.